नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। लेखक जावेद अख्तर द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत पर किए गए मानहानि के मामले को लेकर सोमवार को मुंबई की एक अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों ही अदालत में पेश हुए कंगना रनौत ने इस पूरे विवाद में जावेद अख्तर पर काउंटर याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर पर कई आरोप लगाए हैं। मुंबई की अंधेरी कोर्ट में सोमवार को कंगना रनौत भारी भरकम सुरक्षा के बीच पेशी के लिए पहुंची। मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों को इस मामले में पेश होने के लिए कहा गया था। जावेद अख्तर पहले ही अदालत में मौजूद रहे। मजिस्ट्रेट द्वारा अब इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर को करने के लिए कहा गया है। कंगना रनौत ने इस दौरान एक और याचिका दायर की है, जिसमें जावेद अख्तर पर जबरन वसूली, निजता का हनन समेत कई आरोप लगाए गए हैं। कंगना रनौत ने अपनी एक अन्य याचिका में दोनों ही मामलों को किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की है। इस पर 1 अक्टूबर को अंधेरी कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल साल 2020 में कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में विवादित बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने जावेद अख्तर को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे। इसी मसले पर जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का केस किया था। कोर्ट द्वारा पहले भी कंगना रनौत को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह पेश नहीं हो सकी थी। हालांकि अब कोर्ट के सख्त रुख के बाद सोमवार को वह पेश हुई और केस को ट्रांसफर करने की मांग की। ये थी मुंबई से एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।